हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्रत की एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को पुश करके ग्रे करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्रत वाले में खाए जाने वाले डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब डिश है ये। इसको ट्राई कर जरूर करिएगा और बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। ये देखिए, इसको चटनी, ग्रीन चटनी के साथ आप चाहे खाइए और चाहे तो आप आलू के मसाले के साथ खाइए, दोनों के साथ ही ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जाली देखिए कितनी प्यारी सी बनी हुई है, देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी जाली इसकी तैयार हुई है। और ये मसाला भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 1 कप सामा का चावल और 1/2 कप साबूदाना लिया है। पहले तो हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे इसकी सारी गंदगी हट जाए। देखिए इसमें कितनी गंदगी है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसको 4-5 पानी में अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसको हम 4-5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, 4-5 घंटे बाद कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको मिक्सर में महीन सा पीस लेंगे, जैसे आप डोसे का बैटर पीसते हैं ना, बिल्कुल जैसे उसी की तरह हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको करीब 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें जीरा का तड़का लगाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटी हुई मिर्च, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, आप चाहें तो इसमें करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने धनिया की पत्ती डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक और मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा है पहले से ही, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी मसाले नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया की पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और फिर यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू, उसको मैश करके रखा हुआ था, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इसको ज़्यादा मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही सब सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। मुश्किल से इसको 1/2 मिनट तक हम ऐसे चलाते रहेंगे। ये हमारा मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम 1/2 लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, इससे इसमें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही चटपटा सा मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे जो मैंने घोल बना के रखा था वो 1/2 घंटा उसको हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसको एक पतला सा घोल बनाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस करेंगे। अब हम बैटर इसमें डालेंगे। मैंने बहुत ही पतला घोल बनाया है ताकि वो आसानी से फैल जाए। दोस्तों, मैंने वीडियो थोड़ा सा तेज कर दिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आप इसको आराम से करिएगा। और जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये लेयर छोड़ती जाएगी। फ्लेम को मीडियम पे ही रखिएगा। ये देखिए, हमारे डोसे ने बिल्कुल लेयर छोड़ दी और अच्छे से ये पक गया है। अब हम इसको रोल कर लेते हैं। ये देखिए, मेरा डोसा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।